लेकिन मेरी लव मैरिज हुई है एंड आई वॉज डेटिंग वाइफ एट दैट टाइम आई ऑलवेज क्या बात कर रहे yes. इसलिए मैंने कहा ये कहानी, नहीं है ना ये कही? नहीं कहीं पे <laughs> भी नहीं आप पढ़ लीजिए अच्छा। अब हम आपसे इससे हम आपसे जानना चाहते ये तो मेरी कहानी आपके हिसाब से वॉट इज लव जू घंटी आप तो देखिए लवजू जू मतलब आ, बेसिकली कुछ नहीं है प्यार मोहब्बत इश्क और आ, लव जो होता है उसी का एक स्लैंग किस्म का वर्जन है पंजाबी में तो लव यू बोलते हैं ना अरे लव यू यार लव जू पाजी तो वो एक तरीके से है और अगर इसको आप रोमांटिक और सॉफ्ट तरीके से बोले जैसा अरिजीत साहब ने मतलब उफ़ आह मतलब कैसा लगा आप लोग समझ रहे ना फील आ रही है ना तो उन वो जब बोलते हैं तो वो एक हो जाता है लब जू। बेसिकलीसप्रेशन ऑफ लव एंड इन वे लवरा हो गया अब क्योंकि यही बंटी और बबली नए नए भी आ रहे हैं अब ये लोग भी प्रोज का सामना करने वाले बिल्कुल तो इसलिए अब लव यू से पे बढ़ेंगे। बट आपको इस गाने की मतलब पब्लिक को तो जो फील आई आई आप दोनों को इस गाने का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा

So, uh, बहुत uh, मतलब uh, कुछ करना ही नहीं पड़ा एफर्टलेस मेरा पहला रोमांटिक गाना है अरिजीत सिंह की आवाज़ में और इससे ज़्यादा टैलेंटेड सुंदर और uh, इतनी खूबसूरत नहीं है और इन्होंने बस काम आसान कर दिया मतलब हर कण कण से लव जू निकल रहा था oh, 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 oh. <laughs> तो मेरे लिए तो बड़ा मतलब मेरे लिए तो आई को इसी में सवाल करना है पीपल जो लोगों को कौन करते हैं

I mean, in fact, हम जब, uh, train कर रहे थे उसके लिए हम बस एक दूसरे के पैर पे मतलब पैर जा रहा था सबसे पहले हाथ लग रहे थे इसको एल्बो हो रहा था बट आई थिंक इवेंचुअली हमें वो सब समझ आ गया था एंड रियलीट लाइक बंटी बबली एंड लाइक सॉन्ग एवरी सीन एवरी थिंग वा नाइस दो साल के बाद वाकई एक दिवाली गेट टूगेदर हो रहा है दो साल के बाद हम अपने मीडिया दोस्तों से मिल रहे दो साल के बाद किसी भी फिल्म का थिएटरिकल रिलीज होने वाला है so basically this is a a huge huge Diwali Diwali bonanza and a huge Diwali get together yes. what's the feeling दो साल हो गए मेरी पहली फिल्म आई थी काफी आप लोगों ने प्यार दिया काफी सराहा है मेरे जो भी मैंने सपने देखे थे वो पूरे हुए पहली फिल्म के बाद और फिर अचानक से एक सन्नाटा सा आ गया because of the pandemic और uh, मैं वेट कर रहा था ये uh, फिल्म uh, बहुत एक्साइटेड था बंटी और बबली यशराज आदि सर यू uh, नो you know, रानी मैम सैफ सर एंड शर्वरी इट्स इट्स यू नो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी बट जो दो साल बीते हैं वो मतलब हर दिन मैंने वो कैलेंडर uh, देखा है कि यार कब आएगा कब आएगा कब आएगा, आएगा बोला है अपना टाइम आएगा लेकिन कब आएगा कब आएगा तो, वेट करते करते फिर मैंने जब ट्रेलर देखा मैंने बोला चलो भैया सही है दिवाली पे आ रहा है जो दो साल में भर के रखा था ना अंदर का लावा अब वो भट वो भटके बाहर आएगा है। आपको एक नहीं मैं अनेक कैरेक्टर्स में दिखूंगा इसमें सुतली बॉम्ब भी है रॉकेट भी है हर किस्म का मतलब आ, अलग अलग किरदार हैं अलग अलग एक्सेंट्स हैं प्रोस्थेटिक्स हैं आपने देखे होंगे अलग अलग रूप में तो मैंने जो दो साल की भड़ास है वो इसी में निकाल ली दो साल में लोग दो तीन फिल्में करते मैंने एक फिल्म में चार कैरेक्टर्स कर लिए क्या तो, <laughs> मेरे लिए तो बहुत बड़ी ये चीज़ है और मुझे मालूम है आप लोगों को मजा आएगा क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया ये करने में और शर्वरी से सुनते हैं पहली फिल्म है उनकी उनका डेब्यू है तो वो भी बबली बबली एक ऐसा तो आइकॉनिक किरदार जो कि विम्मी त्रिवेदी अब तक कर रही थी लेकिन अब आप करने वाली हैं माई क्वेश्चन टू यू ऑन दिस इज कि आप लोग इस फ्रेंचाइजी में प्रोस के सामने कौन बन के? कैसा था उनके साथ काम करना समझना स्पेशली बबली के लिए सीनियर बबली से किरदार को जानना फीलिंग फॉर यू आई थिंक रानी मैम सैफ सर दोनों मतलब आप स्कूल में कैसे जाते हो टेक्स्ट बुक में सब इंफॉर्मेशन होती है कि अच्छा हिस्ट्री में ये आने वाला है दे आर टेक्स्ट बुक हमने आई थिंक फर्स्ट टाइम जब हम उनके साथ काम कर रहे थे एक्चुअली हमारी ये बात भी हुई थी हम बोल रहे थे कि यार यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम रानी मैम और सैफ सर के साथ एक सीन में खड़े होने वाले हैं बट फिर हम लोगों ने बोला नहीं नहीं ये सब नहीं सोच सकते डट के वी वर लाइक चलो वी आर अगेंस्ट देम बट उनसे जितना सीखने को मिला वो आई थिंक uh, चार पाँच फिल्में उससे ज़्यादा भी हमें सीखने ना मिले yeah. वो हमने एक पहली फिल्म में कुछ सीन्स करके उनके साथ सीख लिया है तो ऑफ कोर्स हम उनके अगेंस्ट फिल्म में जरूर है पर उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है क्या बात है वेरी हम्बल लेकिन अभी क्योंकि हमने ये बात करी दो साल की पहली फिल्म है ना पहली फिल्म है ना <laughs> दो साल के बाद क्योंकि अभी आपने जब आ, बात करी बंटी उस समय मैं आपको जब सुन रहा था मुझे एक चीज समझ में आया दो साल किसी चीज को रोक के रखना एक बहुत टफ चैलेंज होता है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बट इन दो सालों में

और उसमें मैं एक्चुअली मेरा शॉट भी नहीं था कैमरा यहाँ लगा था मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए यहां खड़ी थी ताकि सिद्धांत कंफर्टेबल फील कर जितनी, जितनी सिद्धांत ने डाली है और इतना एफर्टलेस लग रहा है ये करते हुए आई I मीन mean, ऐसे लग भी नहीं रहा है कि उसको हाइड्रोफोबिया तो झूठ बोल रहा है क्या सिद्धांत हाइड्रोफोबिया खत्म करना आपके लिए कितना भारी सीन रहा um, यार <laughs> मतलब क्या बताऊँ मैं ऑलरेडी सुन के ही डर गया हूँ <laughs> आ रहे हैं मेरे दिमाग में लेकिन हाँ मतलब करना है तो करना है वैभवी मैम थी जो काफ़ी सपोर्टिव थी और उन्होंने पूरा मतलब यू नो मुझसे बात की कि क्या है स्विमिंग क्लासेस किए मैंने और अब जिंदगी में पीछे नहीं जाना है ना आगे ही जाना है यस yes, दो साल के लिए चीजें रुक गई थी लेकिन हम क्यों रुके हम तो आगे बढ़ते रहेंगे ना तो आगे बढ़ेंगे और जैसा कि ट्रेलर में कहा है कि अब गेम अप कर दी एंड विनर बट नॉट द लीस्ट ये एक सवाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस समय सारे हमारे जितने भी फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया है उनके लिए जाना जरूरी है और हम ये आपसे जानना चाहते हैं नॉट एज बंटी और बबली बट एज सिद्धांत एंड शार्बरी आपने इस फिल्म की शूटिंग करी आपने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा आप इस फिल्म में लाइक like, आप जो आपकी किरदार उसके खाल के अंदर तक घुस गए यूर दाउ उन्नीस तारीख को इज द डेट जब ये फिल्म रिलीज होगी आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है और पब्लिक से क्या एक्सपेक्टेशन है बंटी और बबली टू को लेकर um, मेरी पहली पिक्चर है तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स मुझसे खुद से लोगों से बहुत ज़्यादा हाई है आ, पर मैंने आ, मैंने एक्चुअली मैं जब 16 साल की थी तब पहला ऑडिशन दिया था आई थिंक छः या सात साल हो गए ये मेरी पहली पिक्चर है तो एक बहुत लंबी जर्नी रही है तो आई थिंक मैं नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आई थिंक छः साल के लिए मैंने अपने आप को ये कहा है कि नहीं मेरी पिक्चर आएगी इस साल आएगी इस साल आएगी इस साल आएगी ऐसे मैंने बहुत बार बोला है दोस्तों में एक मजाक बन चुका है पर इस साल एक्चुअली आ रही है और uh, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे घर वाले बहुत एक्साइटेड है आई थिंक वो बहुत इमोशनल है सब रुके हुए हैं दोस्त मेरे पेरेंट्स मेरी बहन सो आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही है कि लोगों को मज़ा आए क्योंकि आई फील लास्ट दो साल काफ़ी अपसेटिंग uh, रहे हैं सबके लिए तो हम ऐसी फिल्म लेके आ रहे हैं जब आप पूरी फैमिली को लेके जाओ ये सब भूल जाओ करोना कोविड ये थोड़े टाइम लिए मास्क पहन लो पर भूल जाओ मज़े करो एन्जॉय करो और फिर get back to life, but बिल्कुल बहुत जी खोल के क्या बात है, बंटी पब्लिक को मुझे लगा था जिस तरह से मैंने लाइन अप किया था कि कुछ छह सात महीने में बंटी पर भी आ जाए की लोग अलग अलग किरदार में देख लेंगे अलग अलग एक्सेंट्स में देख लेंगे मैं ऐसे ही बात नहीं करता है मतलब ठीक मतलब मैं नॉर्मल जो जहाँ से हूँ मैं यूपी से हूँ बॉम्बे में पला पड़ा हूँ ज़िंदगी देखी है मैंने अलग अलग किरदार देखे हैं ज़िंदगी में तो मुझे मैं बड़ा ही एक्साइटेड था कि मैं कुछ लोगों को आ, ऐसा दूंगा कि लोग बोलेंगे अरे यार ये तो ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है आ, लेकिन वही है कि दो साल काफ़ी बीत गए लेकिन आई थिंक जो आ रहा है देर आ रहे हैं दुरुस्त आ रहे हैं एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस जो हैं जाएंगे हंसेंगे मज़ा आएगा और कुछ एक हंसी लेके जाएंगे क्योंकि इस समय आई थिंक जिस तरह का माहौल चल रहा था पिछले दो दो सालों से काफ़ी इंटेंस था आ, लोग अपने घर में बैठे हुए हैं टी वी पर चीज़ें देख रहे हैं ओटीटी पे देख रहे हैं काफ़ी नया टैलेंट भी आया है उस वजह से जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब बिकॉज़ मैं भी वहीं से आता हूँ ओ से आता हूँ और आ, बहुत ये भी एक अच्छी बात है कि नए नए लोग आएँ उभर के आ, लेकिन सर जो मैजिक है ना जादू वो बड़े पर्दे का वो कुछ और ही है और जब आप लोग जाएंगे यशराज की फिल्म है क्या बोलूँ आप लोगों को बलिया में तो गर्दा उड़ जाए राजा एकदम एकदम मैंने कहा कहीं तारा के ऐसा पिक्चर बनैल बनी नू अलग अलग किरदार तुम लोग देखब लो ऐसा मजा आ जाए मरदे की मतलब कहा बताएं तुम लोग के आ, हाँ छा <laughs> गई ला राजा छा गई ला गर्दा तब उड़ी बस गुरु बस उन्नीस तारीख के लोग आ जा Uh, अपना बंटी बबली बबलू सबके लेके आ जा अपना मम्मी पापा सबके के कहें कि पारिवारिक फिल्म है भोजपुरी में हम कहें बोलते नहीं हमारा नहीं है पता बट जकाना समझेगा उस समझ <laughs> <laughs> और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है भोजपुरी उनके लिए ये uh, मेरी तरफ से uh, ये है uh, कि आइए uh, थोड़ा हँसीए थोड़ा uh, मिलते हैं खुशियाँ मनाते हैं थोड़ा डांस करते हैं थोड़ा लव और लव जू के कहते हैं लोगों को और यस uh, yes, प्लीज़ कम एंड वॉच दिस फिल्म हमारे लिए बहुत बड़ी बात है इसकी पहली फिल्म है मराठी मुलगी <laughs> uh, तो uh, और सिरानी और सैफ सर के बारे में हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं